एक और एक्सपर्ट टेक्निकल राय देने के लिए किरण जाधव भी जुड़ चुके हैं। इससे पहले उनसे शेयरों पर राय लूं, एक बार मार्केट का व्यू जान लेता हूं। किरण बताइए, कैसा लग रहा है मार्केट का सेटअप और आज कैसे ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग एमन जी, जैसे आपने देखा कल की जो भारी गिरावट देखी, ऐसे ही सिमिलर गिरावट हमने 28 मार्च को भी देखी थी और उसके बाद वाले दिन में हमने एक दोजी पैटर्न फॉर्मेशन किया था जो कि एक रेंज बाउंड मूव है। तो मैं आज भी रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्ट करता हूं और अगर ये 28 और 29 तारीख का रिपीट होता है तो वापस एक बार हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल जाना चाहिए। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 7580 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें 7580 का सपोर्ट लेना चाहिए और ऊपर में करीबन 7660 तक जाते हुए देखना चाहिए। पर 7660 से भी वापस आपको थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है, तो एक सीसो काइंड ऑफ रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। वोलेटिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और अगर ये होता है तो एक स्ट्रेंथनिंग पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अगले आते हुए दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल जाना चाहिए बुलिश साइड पे। हमने ये देखा था करीबन मार्च सीरीज में फर्स्ट 15-20 डेज एक 7560 के करीब हम अच्छी रेजिस्टेंस ले रहे थे और ये रेजिस्टेंस लेने के बाद हमने ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट दिया था। अभी उसी लेवल्स को टेस्ट करते हम नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल बेरिश व्यू नहीं है, न्यूट्रल टू माइल्ड बुलिश व्यू है। पर एग्रेसिव ट्रेडर अगर कोई है तो अभी भी गिरावट पे खरीदी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 7560 का लगाना चाहिए और टारगेट 7660 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं किरण, आपकी 7580 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। 7588 ये कल का लो लेवल था, उसके नीचे क्लोज ना हो तब तक ठीक ठाक है। लेकिन मैं फिर आपसे एक और सवाल जो लेना चाहता हूं, जैसे आपने मार्च से लेकर अब तक के आंकड़ों की बात की, किस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आज चाहिए आपको जिससे ये मानेंगे कि ये करेक्शन सिर्फ एक दिन का था, खत्म हो गया और तेजी का रुझान बरकरार है? अनिल जी, 7660 एक एम रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आज के लिए। अगर 7660 के ऊपर हम क्लोज देते हैं आज तो बहुत अच्छा होगा, जो कि कल के जो बेरिश मूव्स आए थे वो सब ट्रैप होते नजर आएंगे और वापस आप 7740 तक जाते हुए देखेंगे, जहां पे वापस एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल जानी चाहिए। अप्रैल सीरीज में मैं देखना चाहता हूं कि 7880 तक ये जाए। अगर ये होता है तो ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन की लेवल रहेगी जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से दिख रही है। अगर उन लेवल्स पे जाता है तो एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए और सेंटिमेंट्स बिल्कुल बदलते नजर आएंगे। ओके।